Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. I hope you have understand the last lecture of immunization. So today I am going to discuss immunization schedule. Immunization schedule जो है वो आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। जो पहला कैटेगरी है वो है NIS, NIS, और दूसरा जो है वो है IAP. NIS स्टैंड फॉर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, IAP इट स्टैंड फॉर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। ये दो बेसिक शेड्यूल हैं जिनमें हम लोग मोस्ट फोकस करेंगे, NIS इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और ये भी हम लोग लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग NIS, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वैक्सीन फर्स्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए। फर्स्ट BCG, OPV, जीरो डोज एंड हेपेटाइटिस बी जीरो डोज, ठीक है। बर्थ में हम लोग ये तीन वैक्सीन देते हैं, BCG, OPV का जीरो डोज और हेपेटाइटिस जीरो डोज। उसके बाद नेक्स्ट 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 9 months, 16 to 24 months, 5 to 6 years, and 11 to 13 years. सिक्स वीक्स में देखिए OPV फर्स्ट डोज, पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV फर्स्ट डोज, न्यूमोकोकल वैक्सीन का फर्स्ट डोज। बर्थ में हम लोग क्या क्या दिए, BCG, OPV जीरो डोज, हेपेटाइटिस बी जीरो डोज। फिर 6 वीक्स में क्या क्या रहा, OPV का फर्स्ट डोज, पेंटावेलेंट फर्स्ट डोज, रोटा वायरस फर्स्ट डोज,
आईपीवी फर्स्ट डोज और पीसीवी फर्स्ट डोज 10 वीक्स में आते हैं। ओपीवी सेकेंड डोज, पेंटावैलेंट सेकेंड डोज, रोटा वायरस का सेकेंड डोज, बर्थ हो गया 6 वीक्स हो गया, 10 वीक्स हो गया, 14 वीक्स, 14 वीक्स में ओपीवी 3 वीक्स, ओपीवी 3 डोज, पेंटावैलेंट 3 डोज, रोटा वायरस का थर्ड डोज, फ्रैक्शनल आईपीवी सेकेंड डोज और पीसीवी का सेकेंड डोज, ठीक है। 9 मंथ्स में आ जाइए, 9 मंथ्स में एमआर मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज और यहां आपका पीसीवी का थर्ड डोज। 16 टू 24 में आ जाइए, मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस सेकेंड डोज, ओपीवी का बूस्टर। 0 डोज दे चुके हैं, फर्स्ट डोज दे चुके हैं, ओपीवी सेकेंड डोज दे चुके हैं, थर्ड डोज दे चुके हैं। अब 16 टू 24 मंथ्स में ओपीवी का बूस्टर डोज, ठीक है। उसके बाद डीपीटी का बूस्टर डोज 5 टू 6 ईयर में डीपीटी का बूस्टर डोज 2। डीपीटी किस में आता है? पेंटावैलेंट में। पेंटावैलेंट में हम लोग पढ़े थे ना पिछले लास्ट टाइम, पेंटावैलेंट में क्या क्या आता है? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईबी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सारा पेंटावैलेंट में आता है। तो पेंटावैलेंट ये क्या है? डीपीटी क्या है? पेंटावैलेंट का ही एक फॉर्म है, एक वैक्सीन है, उसी में से एक वैक्सीन, ये भी है डीपीटी। तो इसका हम लोग क्या दे रहे हैं? हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके थे, सेकंड दे चुके थे, थर्ड दे चुके थे, अब हम लोग बूस्टर डोज दे रहे हैं। बूस्टर 1 बूस्टर 2 कब दे रहे हैं? 16 टू 24 मंथ्स में और 5 टू 6 ईयर में। अब लास्ट 11 टू 13 ईयर्स में हम लोग क्या देते हैं? एचपीवी पहला डोज, पीवी का सेकेंड डोज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, जो कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है, तो उसका फर्स्ट सेकेंड डोज। ये हो गया आपका 11 टू 13 ईयर्स में। एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले बर्थ के वक्त, बर्थ के वक्त याद रखिएगा 3 वैक्सीन है, सिर्फ 3 वैक्सीन, बीसीजी ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज। याद रखिएगा कि इम्यूनाइजेशन में जो स्टार्ट हो रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, वो 0 डोज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वही जब आईएपी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जब आएगा तो उसमें हम लोग 0 डोज यूज नहीं करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट डोज से स्टार्ट करेंगे। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि बर्थ के वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 डोज स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डोज 0 डोज, ठीक है। उसके बाद जब 6 वीक में आएंगे तो 6 वीक में आपका ये आपका चलते रहेगा। 6 वीक के बाद फॉलो अप 6 वीक 10 वीक्स, ये 6 10 14 ये तीनों में आपका ओपीवी का चलता रहेगा, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज थर्ड डोज, 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी पेंटावैलेंट कब स्टार्ट हुआ? 6 वीक्स में हुआ, तो 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स, इसमें पेंटावैलेंट 1 डोज सेकेंड डोज थर्ड डोज, रोटा वायरस का भी क्या है? फर्स्ट डोज सेकेंड डोज थर्ड डोज, वही सिमिलरली 6 10 14 वीक्स चलेगा। यहां पे देखिए 6 वीक्स में हम लोग आईपीवी का फर्स्ट डोज दे रहे हैं और पीसीवी का फर्स्ट डोज दे रहे हैं। उसके बाद 10 वीक्स
कुछ नहीं होगा। उसके बाद 14 वीक्स में हम लोग आईपीवी का सेकेंड डोज और पीसीवी का सेकेंड डोज, ठीक है 14 वीक्स। फिर 9 मंथ्स में आएंगे, 9 मंथ्स में आपका भी तीन वैक्सीन, एक आता है आपका एमआर मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज, और फिर आपका पीसीवी का थर्ड डोज। क्लियर यहां तक? एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ कर पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। 16 to 24 मंथ में एमआर फर्स्ट डोज मिल चुका है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज मिल चुका है, तो 16 to 24 मंथ में एमआर का सेकेंड डोज, जेई का सेकेंड डोज, साथ ही साथ ओपीवी कंप्लीट हो चुका है तो ओपीवी का बूस्टर डोज हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। साथ ही साथ डीपीटी का भी बूस्टर, पहला बूस्टर यहाँ पे कंप्लीट हम लोग करेंगे। फिर 5 to 6 ईयर में ध्यान रखना है सिर्फ डीपीटी का बूस्टर सेकेंड लेना है, और फिर फाइनली 11 to 13 ईयर्स में HPV 1 HPV 2, ठीक है HPV फर्स्ट डोज HPV सेकेंड डोज, ठीक है। फिर हम लोग अब देखते हैं इसके बाद IAP का शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाद जो नेक्स्ट हम लोग शेड्यूल पढ़ रहे हैं वो IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक शेड्यूल, ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल वैक्सीन है जैसे कि टाइफॉइड कंजुगेट है ना, टाइफॉइड कंजुगेट, हेपेटाइटिस ए, वैरिसेला और HPV, ये सब कुछ एडिशनल वैक्सीन है जो इसमें ऐड हुए हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या इस वैक्सीन का शेड्यूल है। तो एट बर्थ पे, बर्थ में हम लोग BCG देते हैं, ठीक है, ये उसमें भी था, NIS में भी था, OPV 0 डोज सिमिलर एज यूजुअल चल रहा है, उसमें भी पिछले वाले जो NIS था उसमें भी ये दोनों था, BCG OPV 0 डोज। यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस B1, यहाँ पे हेपेटाइटिस का 0 डोज नहीं दे रहे हम लोग, NIS में 0 डोज दिए थे, और यहाँ पे क्या है हेपेटाइटिस B1 बूस्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बर्थ में 3 ही वैक्सीन दिए हम लोग, BCG OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज। 6 वीक्स पे आइए, 6 वीक्स पे हम लोग DPT डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस का फर्स्ट डोज दिए, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज, HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या स्ट्रेन बी का फर्स्ट डोज, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट डोज, ठीक है। दो चीज होता है, एक पेंटावैलेंट जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक पेंटैक्सिन, ठीक है। पेंटावैलेंट में क्या क्या डिस्कस किए थे हम लोग, DPT, HIV और हेपेटाइटिस बी, यही 5 था। अब पेंटैक्सिन में क्या क्या है, DPT, HIV और IPV, ठीक है, याद रखिएगा इसमें IPV नहीं था, इसमें IPV है, पेंटैक्सिन, इसमें आई है तो IPV इंक्लूड हो गया, हेपेटाइटिस नहीं है, पेंटावैलेंट में IPV था। तो यहाँ पे जो सारी बात होगी इसमें पेंटैक्सिन आपको देखने को मिलेगा, DPT है, DPT किसमें है ना, DPT यहाँ पे आ रहा है, फिर HIV यहाँ पे HIV है, फिर IPV यहाँ पे IPV देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो पेंटैक्सिन का बात होगा 6, 10, 14 में, DPT का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज, फिर HIV का फर्स्ट डोज, निमोकोकल फर्स्ट डोज, रोटा वायरस फर्स्ट डोज, IPV फर्स्ट डोज। 10 वीक्स में सिमिलरली वैसे ही चलेगा, बस सिर्फ डोज चेंज होगा, DPT का सेकेंड डोज, हेपेटाइटिस बी यहां पे नहीं होगा, HIV का सेकेंड डोज, PCV सेकेंड डोज, रोटा वायरस सेकेंड डोज, IPV सेकेंड डोज। 14 वीक्स में सिमिलरली DPT का थर्ड डोज, HIV का थर्ड डोज, PCV थर्ड डोज, रोटा वायरस थर्ड डोज, IPV थर्ड डोज, ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 मंथ पे आइए, 6 मंथ पे OPV का यहां पे हम लोग फर्स्ट डोज देंगे, OPV का फर्स्ट डोज, बर्थ पे 0 डोज था, यहां पे फर्स्ट डोज, फिर हेपेटाइटिस बी का थर्ड डोज, पहला दे चुके हैं, दूसरा डोज दे चुके हैं, और 6 मंथ पे हम लोग थर्ड डोज दे रहे हैं। गैप कहां किए थे, 10 वीक 14 वीक्स में हम लोग हेपेटाइटिस बी का थर्ड डोज नहीं दिए थे, यहाँ पे हम लोग थर्ड डोज दे रहे हैं, ठीक है। 9 मंथ पे आइए, 9 मंथ पे OPV का सेकेंड डोज,
अब यहाँ पे MMRR, मीजल्स मम्स रूबेला, इसका फर्स्ट डोज, फिर एडिशनल वैक्सीन है जो कि NIS में नहीं था, टाइफाइड कंजुगेट, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज 12 मंथ में, HIV का बूस्टर वन, पहला बूस्टर दे रहे हैं, पहला बूस्टर कब आया 12 मंथ पे, HIV का बूस्टर वन, PCV का बूस्टर वन, IPV का IPV बूस्टर वन, सारा बूस्टर किसमें आ रहा है 12 मंथ पे आ रहा है, ठीक है। 15 मंथ पे आइए, 15 मंथ पे फिर आपका फिर बूस्टर आ गया DPT का, DPT का फर्स्ट डोज कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, बूस्टर, पहला बूस्टर 15 मंथ पर, फिर MMR का सेकंड डोज, वैरिसेला, यहां पे वैरिसेला है, वैरिसेला का फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस सेकंड डोज 18 मंथ पे, हेपेटाइटिस ए 2 इयर्स पे, टाइफॉइड कंजुगेट का बूस्टर यहां पे दिए थे पहले, ये बूस्टर आ गया, 4 to 6 ईयर में DPT का बूस्टर वन दे चुके हैं, सेकंड बूस्टर कब देना है 4 to 6 ईयर पे, OPV का बूस्टर, फिर मीजल मम्स रूबेला का थर्ड डोज, वैरिसेला का सेकंड डोज, और 11 से 12 इयर्स पे TDAP HPV1 HPV2, ठीक है। तो ये सब कुछ याद नहीं करना है, कुछ कुछ टर्म जो है जो कि आपको याद करना है, जैसे कि 6 टू 14 वीक्स में DPT हो गया यानी पेंटैक्सिम चल रहा है, ठीक है, फिर भी बीच में बूस्टर डोज देख लीजिएगा, फिर इसमें जो कुछ नया चीज इंक्लूड हुआ है, टाइफॉइड कंजुगेट, वैरिसेला है ना, हेपेटाइटिस ए, ये सब चीज को बस ध्यान रखना है, बाकी लगभग लगभग सिमिलर है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ही। तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने दोनों इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लिया, NIS भी देख लिया और IAP भी देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैचअप वैक्सीन है। कैचअप वैक्सीन मीन्स समझिए कि अगर जो गिवन टाइम पीरियड है, जो गिवन टाइम था उसमें हम नहीं आए तो फिर बताइए कि बाद में हम कब लगवा सकते हैं, वही कैचअप है कि सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो बताइए कब तक लगवा सकते हैं कैचअप वैक्सीन। तो देखिये BCG हेपेटाइटिस B1 PCV रोटा वायरस, BCG कब देते थे हम लोग, देखे थे बर्थ के टाइम देते थे, ठीक है। तो अगर BCG हेपेटाइटिस बी PCV और रोटा वायरस, अगर ये दोनों, ये 1, 2, 3 चाहिए, ये चारों वैक्सीन जो है अगर आपको गिवन टाइम पे अगर नहीं दिया गया, चाइल्ड को नहीं दिया गया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 ईयर के तक आप, 1 ईयर के अंदर आप इन वैक्सीन को दे सकते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का जीरो डोज था, NIS में देखे होंगे हम लोग बर्थ के टाइम देते थे, ठीक है। तो अगर बर्थ के वक्त नहीं पड़ा तो उसको कम से कम 1 दिन के अंदर, विद इन 1 डे के अंदर उसको वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट आइए OPV IPV विटामिन ए MR। विटामिन ए जो है वो वैक्सीन नहीं है बट ओरल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो OPV IPV पोलियो वैक्सीन है, OPV IPV विटामिन ए और मीजल्स रूबेला, इन सबको हम लोग अगर विद इन टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड नहीं दे सके तो कम से कम वो 5 साल तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट DPT, डिप्थेरिया पर्टोसिस टेटनस, इन सभी को हम लोग 7 इयर्स तक दे सकते हैं कैचअप में। HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी स्ट्रेन बी, इसको हम लोग 6 ईयर तक दे सकते हैं। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस 15 ईयर्स के अंदर हम लोग दे सकते हैं। तो ये सब कैचअप वैक्सीन हो गया। अब देखिए कुछ खास बात, नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कुछ जो वैक्सीन होते हैं जो कि 10 वीक्स 14 वीक्स मेजोरिटी पेंटावैक जो आता है उसको हम लोग टिल 1 ईयर्स 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स पे जो वैक्सीन पड़ते हैं बेबी को, तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक दे सकते हैं, इसे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन जो 9 मंथ पे पड़ते हैं जैसे कि MMR OPV विटामिन ए, तो इन सबको हम लोग अगर वो इस 9 मंथ पर नहीं आया तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, 5 ईयर्स तक उसको पड़ जाना चाहिए।
कैचअप हम लोगों ने अभी देखा, कैचअप वैक्सीन के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट क्या क्या है, उसको देने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, या वैसे लोगों, वैसे इंडिविजुअल में जिसको नहीं देना चाहिए, ठीक है, वैसे कंडीशन जिसमें वैक्सीन नहीं देना चाहिए, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। पहला वैक्सीन जो है डीपीटी, डिप्थेरिया पर्टोसिस टेटनस, इसको देने के बाद जो साइड इफेक्ट दिखा जाता है वो इनसेसेंट क्राई, लगातार रोएगा, इनसेसेंट क्राई, हाइपर पायरेक्सिया, ज्यादा फीवर आ जाएगा, और कभी कभी सीजर्स भी देखा जाता है, इसका साइड इफेक्ट। कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि इसको प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, उसमें प्रिवेंट करना है। बीसीजी वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो है एक्सिलरी लिम्फोडेनाइसिस, लिम्फ में जो है वो स्वेलन हो जाएगा, है ना, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एक्सिलरी लिम्फोडेनाइटिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ओपीवी, ओपीवी में बस याद रखना है आप पीपी एक कंडीशन, दूसरा वीडीपीवी क्या होता है वो जानना अभी जरूर नहीं है, बस इतना याद रखे कि ओपीवी के ओपीवी में साइड इफेक्ट जो होता है वो दो केस में होता है, कि वीएपीपी एक वीडीपीवी, इसका फुल फॉर्म बस जानना है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, और वीडीपीवी वैक्सीन डिराइव्ड पैरालिटिक पोलियो, इम्यूनो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। रोटावायरस, रोटावायरस का जो साइड इफेक्ट है वो इनटू सब्सेप्शन, सब्सेप्शन यानी कि जो ऑर्गन है वो आपस में एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मान लीजिए आपका इंटेस्टाइन है और ये क्या हो गया, आपस में ही मिक्स हो गया, ठीक है, अंदर आ गया, इंटरसेप्शन। फिर डायरिया, रोटावायरस जो है इसका साइड इफेक्ट डायरिया है, और इसका कंट्रा इंडिकेशन एक्यूट गैस्ट्रो इंटराइट, गैस्ट्रो इंटराइट इंटेराइटिस, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा केस देख लीजिए, इसमें साइड इफेक्ट फीवर आएगा, हेडेक आएगा, फटीग, गुलियन बारे सिंड्रोम, और इसका कंट्रा इंडिकेशन एक एलर्जी, एक एलर्जी से आपका येलो फीवर, एक एलर्जी का कंडीशन रहेगा तो जो दो वैक्सीन दो है जो येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा, ये दोनों वैक्सीन प्रिवेंट किया जाएगा। मीजल्स लास्ट, इसका साइड इफेक्ट देख लीजिए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और इसका कंट्रा इंडिकेशन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी तक हम लोगों ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लिया, कैचअप वैक्सीनेशन देख लिया, उसका रूल रेगुलेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी कंट्रा इंडिकेशन साइड इफेक्ट देखा। तो इन सभी को देखने के बाद आपको आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन दे दिया, शेड्यूल देख लिया, तो हम लोग कब कहेंगे कि ये जो चाइल्ड है या कोई पर्सन है वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है या कंप्लीट इम्यूनाइज्ड है, हम लोग कब कहेंगे? तो उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड हम लोग कब कहेंगे कि ये जो बेबी है, ये चाइल्ड है, ये फुल्ली इम्यूनाइज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू NIS जो एक साल के अंदर जितने वैक्सीन जो दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो गया, एक साल के अंदर वो जितने वैक्सीन उसको लेना चाहिए था अगर वो ले चुका है तो अब हम लोग कहेंगे कि वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है। तो क्या क्या हम लोग एक साल के अंदर वैक्सीनेशन करा देते हैं, देखिए ओपीवी का तीनों डोज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों डोज अगर ले चुका है, पेंटावैलेंट का तीनों डोज हो चुका है, फ्रैक्शनल आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का डोज हो चुका है, और मीजल्स रूबेला इनका एक डोज, अगर ये सारा डोज कंप्लीट है करा लिया है उन्होंने तब हम लोग कहेंगे कि वो जो इंडिविजुअल है वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, ये बात हो गई फुल्ली इम्यूनाइज्ड की। अब हम लोग आते हैं कंप्लीट इम्यूनाइज, हम कब कहेंगे कि बेबी या चाइल्ड फुल कंप्लीट इम्यूनाइज्ड है? तो रिसीव्ड ऑल वैक्सीनेशन, सारा वैक्सीनेशन कब तक, टू इयर्स ऑफ एज तक जितने भी वैक्सीनेशन के शेड्यूल है उनमें से जितने वैक्सीन आते हैं उन सबको उन्होंने अगर ले लिया है, अगर उनका कंप्लीट है वैक्सीनेशन, तब हम लोग कहेंगे कि वो पर्सन कंप्लीट इम्यूनाइज्ड है। तो उसके अंदर क्या क्या है, MR का सेकेंड डोज,
डीपीटी का बूस्टर वन और ओपीवी का बूस्टर, ये तीनों अगर उनका कंप्लीट है वैक्सीनेशन में तब हम लोग कहेंगे कि वो कंप्लीट इम्यूनाइज्ड है। तो ये कुछ बात थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फुल्ली इम्यूनाइज्ड और कंप्लीट इम्यूनाइज्ड का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल है उसको देख लेते हैं। एनी नंबर ऑफ वैक्सीन लाइव और किल्ड मे बी गिवन ऑन द सेम डे मेंटेनिंग अ गैप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बिटवीन द वैक्सीन। अगर सेम डे पर हम लोग लाइव या किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं तो कम से कम उन दोनों वैक्सीन के बीच में कितने का डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मिस्ड ऑन अ सिंगल डे ए गैप ऑफ एटलीस्ट 4 वीक्स शुड बी देयर बिटवीन एनी 2 लाइव वैक्सीन। अगर 2 लाइव वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, 2 लाइव वैक्सीन है, तो दोनों लाइव वैक्सीन अगर मिस्ड हो गया, मतलब एक ही दिन देना था लेकिन मिक्स हो गया, तो जो नेक्स्ट आज एक लाइव वैक्सीन पड़ा, तो अगर नेक्स्ट जो लाइव वैक्सीन पड़ेगा तो उन दोनों के बीच में कम 4 वीक्स होना चाहिए। इफ मिस्ड ऑन सिंगल डे, अगर सिंगल डे मिस्ड हो गया तो ए गैप ऑफ, कम से कम जो गैप रिक्वायर्ड होना चाहिए 2 लाइव वैक्सीन को देने के लिए वो कितना है, 4 वीक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए। अब आते हैं लास्ट इम्यूनाइजेशन, मतलब कि कुछ वैक्सीनेशन तो कराया लेकिन बीच में जो मान लीजिए कि 6 वीक्स बर्थ पे वैक्सीनेशन हुआ, 6 वीक्स पे हुआ, फिर उसके बाद गैप हो गया, 10 वीक्स पे नहीं दे पाया, 14 वीक्स पे नहीं दे पाया, फिर बाद में आया, तो वो हो गया लास्ट इम्यूनाइजेशन। तो उस वक्त क्या करना है, नो नीड टू रीस्टार्ट वैक्सीन सर्विसेज। अब उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करना कि फिर से उसको जो पहले हम उसको बर्थ वाला देंगे फिर उसके बाद 6 वीक्स पे 10 वीक्स पे 14 वीक्स पे, इस तरह नहीं। जहां से गैप हुआ है उसके बाद से हम लोग वैक्सीन देंगे एज पर शेड्यूल। अगर उसको 9 मंथ का नहीं पड़ा है तो और कुछ दिन बाद आ गया है, 9 मंथ के बाद आ गया, तो पहले उसको हम लोग जैसा शेड्यूल कह रहा है उसी अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराएंगे, लास्ट इम्यूनाइजेशन। फिर एक कंडीशन आता है अननोन इम्यूनाइजेशन स्टेटस, मतलब कि पता ही नहीं है उसके स्टेटस के बारे में कि उसको इम्यूनाइजेशन पड़ा या नहीं पड़ा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वैसे चाइल्ड को हम लोग क्या कहेंगे, अनइम्यूनाइज्ड कंसीडर करेंगे और उसको वैक्सीन अकॉर्डिंगली जैसे शेड्यूल बता रही है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे, उसका इम्यूनाइजेशन करेंगे, ठीक। तो आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा अपने पीडियाट्रिक के लेक्चर में, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखा, कैचअप देखा, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट्स, कंट्रा इंडिकेशंस, फिर फुल्ली इम्यूनाइज्ड, कंप्लीट इम्यूनाइज्ड, और फिर लास्टली हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को देखा। तो अभी तक इस पूरे लेक्चर में अगर कोई क्वेरी रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, हम लोग जरूर उसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।